कुवारिया बस स्टेशन पर स्टूडियो की आड़ में अवैध शराब का कारोबार कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं मौके पर 45 शराब के पौवे भी जब्त किए। प्रशिक्षु DYSP आकांक्षा चौधरी ने बताया कि कुवारिया बस स्टेशन पर एक युवक बजरंग स्टूडियो की दुकान के नाम से अवैध शराब का कारोबार चला रहा था। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर जांच पड़ताल की तो स्टूडियो की कोई सामग्री नहीं होकर अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। ऐसे में मौके पर पुलिस ने संबंध में विक्रेता से वैध कागज के बारे में भी जानकारी ली, लेकिन कागज नहीं मिले। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए विक्रेता नवीन पुत्र रोशनलाल रेगर उम्र 21 वर्ष निवासी मोही को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल जले सिंह चौधरी, आसूचना अधिकारी रोशनलाल आचार्य, हेमंत कुमार भेरूलाल आदि थे। पुलिस मामले को लेकर अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है। सर्कल गश्त के दौरान हमें सूचना मिली कि बजरंग स्टूडियो नाम की दुकान में कोई व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। जब हम मौके पे पहुंचे तो और स्टूडियो के अंदर जाके देखा दुकान के अंदर, तो स्टूडियो का कोई सेटअप नहीं था। जब हमने दुकान की तलाशी ली तो हमें वहाँ 45 देशी शराब के पौवे मिले। जब काउंटर पर बैठे व्यक्ति से हमने पूछताछ की तो उसने अपना नाम नवीन रेगर बताया, जो कि मोही का रहने वाला है। जब उससे शराब बिक्री के बारे में कोई लाइसेंस की के लिए पूछा तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होना बताया उसने, जिस पर उपलब्ध मौके पे उपलब्ध शराब को जब्त कर लिया एवं नवीन रेगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।